इटावा में टिड्डी दल की आमद से कृषि विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इटावा में एसडीएम सदर सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि आगरा जनपद से सटे जसवंत नगर और पछाए गांव सैफई में टिड्डी दल के आने की जानकारी मिली है। ऐसे में दिन में शोर जैसे ड्रम थाली बैंड बाजा बजाने से टिड्डियाँ भाग जाती हैं। रात के लिए कृषि व अन्य विभागों की तैयारी के अनुरूप स्प्रे करवाया जाएगा। सीटीओ राजा गणपति आर ने बताया कि जिले तक पहुंचने वाले टिड्डियों को ध्वनि द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। लाउडस्पीकर भी ऐसे में उपयोगी होगा। रात के समय और सुबह के समय जब टिड्डियां पेड़ों पर कहीं बैठती हैं तो इसे रसायन छिड़काव करके नष्ट किया जा सकता है। इटावा के कृषि विभाग के समन्वय में जिला प्रशासन फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकर तैयार करवाकर पूरी तैयारी में है। घबराने की कोई बात नहीं। वही चंद्रपुर खुर्द ब्लॉक बड़पुरा गांव में रामवीर तिवारी के खेत में लगी फसल टिड्डी दल चट कर गई। उधर इटावा होते हुए औरैया की और रविवार शाम टिड्डी दल का मूवमेंट हुआ। औरैया जिले के अछलदा बिधुना क्षेत्र में भी लोगों ने टिड्डी दल को उड़ान भरते हुए देखा। सैफई रूरा निचली गंगा नहर मार्ग पर टिड्डी दल के फर्राटे भरने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। टिड्डी दल को लेकर औरैया में प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है। टिड्डी दल के आगमन से किसानों की चिंताएं अब बढ़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।